हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 19 है और इसमें पढ़ने वाले मेथड ऑफ फाइंडिंग एनवेलप। फ्रेंड्स, सबसे पहले एनवेलप क्या होता है? फ्रेंड्स, एनवेलप ऐसा होता है, हमारे पास कई सारी कर्व दी जाती है, उन सभी कर्व को टच करने वाला जो कर्व होता है वो एनवेलप कर्व होता है। एक तरह से हम कहें कि बहुत सारी कर्व है हमारे पास, कुछ भी कर्व हो सकती है, ये कुछ तरह, इन सभी कर्वों को ढकने वाला कर्व, यानी इन सभी कर्वों को ढकने वाला, ये कर्व जब ढकेगा तो इससे भी टच होगी, इससे भी टच होगी, इससे भी टच होगी। जैसे इस तरह से एनवेलप का मतलब जैसे लिफाफा होता है कि उनको सारी कर्व को वो ढक रहा है, उन सारी कर्व उसी में आ रही हैं, तो उस कंडीशन हम कहेंगे कि वो एनवेलप है। अब फ्रेंड्स, एनवेलप को निकालने के लिए मेथड जो है वो क्या है हमारे पास? सपोज कि हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि फैमिली ऑफ कर्व है, जो है हमारे पास एफ एक्स वाई अल्फा इक्वल टू जीरो, यानी एक हमारे पास इक्वेशन है जो कि अल्फा की अलग अलग वैल्यूज के लिए अल्फा अलग कर्व देगा। ये अल्फा की जैसे जैसे वैल्यू चेंज होती जाएंगी उसकी जो कर्व होगी वो अलग होती जाएगी। अब इसके लिए हम अगर एनवेलप निकालना चाहे तो किस तरह से निकालेंगे? तो फ्रेंड्स, इसके लिए पहले हमें निकालना होगा एफ एक्स वाई अल्फा प्लस डेल अल्फा इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये भी हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व ही है, क्योंकि हम कह रहे हैं अल्फा की वैल्यू में कुछ भी चेंज करें तो एक अलग फैमिली आ जाएगी। तो इस तरह से ये सेकंड जैसे फैमिली आ चुकी है। अब क्योंकि फिर से इन पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करने वाले में पॉइंट्स निकाल लें तो वो हमारे पास पॉइंट्स होंगे एफ एक्स वाई अल्फा प्लस डेल अल्फा माइनस एफ एक्स वाई अल्फा इक्वल टू जीरो। तो फिर से अगर हम देखें इसको इक्वल टू जीरो, हाँ, ये पॉइंट जो होंगे इन जो दोनों कर्व, कर्व फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन टू, इन दोनों को इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट जो होंगे वो यहां से निकाले जा सकते हैं हमारे पास आराम से। अब अगर यहां से ये निकाले जा सकते हैं तो अगर हम यहाँ पे डेल अल्फा का हम डिवाइड कर लें, डेल अल्फा का इधर डिवाइड कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इधर जीरो है। अगर डेल अल्फा का डिवाइड कर लिया तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या है, डेल एफ एक्स वाई अल्फा विद रेस्पेक्ट टू डेल अल्फा इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ चुकी है। अब ये हमारे पास डेल एफ यानी जो एफ था हमारा फंक्शन, उससे हमारे पास इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू अल्फा उसके एनवेलप निकालने के लिए। अब जब ये हम निकाल लेते हैं उसके बाद हम इस इक्वेशन से बाय इक्वेशन थ्री एंड वन इस इक्वेशन वन की हेल्प से वी रिमूव अल्फा, यानी इन दोनों के इक्वेशन की हेल्प से हम अल्फा को रिमूव करने की ट्राई करते हैं और अल्फा को रिमूव करते हैं। अल्फा को रिमूव जब हो जाता है, जब अल्फा रिमूव हो जाता है तो उसके बाद जो हमारे पास कर्व आती है आफ्टर दिस वी गेटिंग एन इक्वेशन, इसके बाद हमें इक्वेशन मिलती है, वो इक्वेशन हमारे पास क्या आती है, हमारे पास एनवेलप, यानी कि जो कर्व थे उनका हमारे पास एनवेलप भी इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसको हम एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं। सपोज कि हमारे पास एक इक्वेशन है, हमारे पास एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू ए। अब इस इक्वेशन के लिए हमें एनवेलप निकालना है, तो एनवेलप निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। तो यहां से अगर विद रेस्पेक्ट टू अल्फा इसको डिफरेंशिएट करें, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, तो उस कंडीशन हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स, इसका सॉरी कोस का करेंगे तो साइन
अल्फा और साइन जो साइन होगा वो माइनस का जाएगा, प्लस वाई कोस अल्फा इक्वल टू जीरो। ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास कर्व था, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब हमें इसमें से अल्फा को रिमूव करना है, तो अल्फा को रिमूव करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ हमें ट्रिक यूज करनी होगी। अगर सपोज हम यहाँ पर ट्रिक यूज करते हैं कि इसका स्क्वायर इसको इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन वन का स्क्वायर प्लस इक्वेशन टू का स्क्वायर ये करें तो हमारे पास ये रिमूव होने के चांस है। अब इसको करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस टू एक्स वाई साइन अल्फा कोस अल्फा, और ये हो गया हमारे पास इसका स्क्वायर प्लस, अब इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा माइनस, अब इसका माइनस क्योंकि यहां माइनस है तो यहां माइनस आएगा, ये आ गया हमारे पास टू एक्स वाई साइन अल्फा कोस अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास, तो अब ये हो गया, तो हमारे पास यहां से अगर देखें तो ये कट गया, और अगर यहां से हम देखें तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा जो कि बन हो जाएगा। तो यहां से हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा तो बन हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे लेंगे जब हम वाई स्क्वायर कॉमन तो यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बचेगा वो भी बन हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास एक कर्व आ चुकी है जो कि इसका कर्वेचर है, यानी कि इस तरह की जो इक्वेशन होंगी उनको ये जो कर्व है वो एनवलप करेगा, यानी कि ये कर्व जो है एक सर्किल का कर्व है, एक सर्किल है जो कि, और ये जो कर्व था ये लाइन थी हमारे पास, यानी इस लाइन की लाइन का कर्व जो है इसका एनवलप जो है एक सर्किल है। तो ए की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ये ए की वैल्यू वजह से ए की वैल्यू कुछ इंक्रीज हुई तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा सर्किल। तो इस तरह से हम इसी इक्वेशन का एनवलप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसके स्पेशल केस लेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।